डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज 18 जून 2020 थर्सडे एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर गोइंग टू डिलीवर अ विजुअल लेक्चर फॉर द ग्लॉसरी क्वेश्चन आंसर एंड एमसीक्यूज ऑफ यूनिट नंबर 8 एज वेल एज वी विल रिवाइज कम्प्रीहेंशन नंबर 8 फ्रॉम ग्रामर एंड कंपोजिशन। माई लेक्चर इज फॉर 9th P1 N1 बॉयज एंड गर्ल्स। डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज अबाउट द प्रीवियस लेक्चर्स you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition and completed the reading translation summary and word sentences of Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert Frost. It is a very beautiful and symbolic poem written by Robert Frost, who was a famous American poet and was born in San Francisco on March 26. He was an internationally acclaimed poet who won the famous prizes for many times. He died in Boston on January 29. There are many other poems by Robert Frost like After Apple Picking, Mending Walls and The Roads Not Taken. But Stopping by Woods on a Snowy Evening is regarded as his masterpiece. It is his most famous poem. I hope students you have learnt your summary and word sentences very well. So let's move to the glossary of unit number 8. First of all, open your textbook at page 83. Glossary, जैसे कि students आपको पता है कि आपके MCQs के हवाले से बहुत important होती है। Glossary में कुछ given words होते हैं जिनके synonym यानी English meaning जो मुतरादफ अल्फाज हैं वो उनके सामने लिखे हुए होते हैं। यूनिट नंबर 7 तक आपने जो ग्लॉसरी और उससे रिलेटेड MCQs किए हैं आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। इसी तरह से आज हमने यूनिट नंबर 8 स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग की भी ग्लॉसरी करनी है, ठीक है। इसके लिए जो वर्ड्स हैं आपको मैंने जैसे कि कल बताया था कि ये वर्ड सेंटेंसेस यानी सेंटेंस मेकिंग के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह जो है वो MCQs के हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा अहम है। इसके साथ साथ ग्लॉसरी के साथ साथ जो आपकी पोएम हमने पढ़ी है उसमें भी कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मज़ीद हैं जो कि आपके MCQs के हवाले से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पहले हम ग्लॉसरी को देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पे वुड्स, जिसका मतलब होता है जंगल, ठीक है। लकड़ियाँ भी होता है लेकिन वुड्स जब स्पेसिफिकली इस्तेमाल किया जाए तो ये फॉरेस्ट यानी जंगल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्लॉसरी याद करने के लिए आपको मैंने गाइड किया हुआ है कि आपने सबसे पहले उन वर्ड्स को जो कि गिवन है याद करना है, उनको लिख के देखना है स्पेलिंग के साथ, ठीक है। आपकी स्पेलिंग की प्रिपरेशन हो जाएगी, फिर आपने उनके जो सिनोनिम्स हैं वो याद करके उसके सामने लिख के देखने हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वियर, जिसका मतलब होता है अजीब, स्ट्रेंज। इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे। हार्डनेस है अगला वर्ड, फिर उसके लिए हम जो है वो सिनोनिम यूज़ करेंगे कंट्रोल यानी लगाम, ठीक है। डाउनी, डाउनी मीन्स सॉफ्ट, फिदरी, यानी कि बहुत ज़्यादा जो चीज़ नरम हो, इस तरह से जिस तरह से कोई भी बर्ड है उसका फिदर यानी पर होता है उसको अगर हम हाथ लगा कर देखें तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो जो स्नो फॉलिंग के दौरान इस तरह की स्नो जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो उसको हम डाउनी बोलते हैं, और फ्लेक जो है वो होते हैं बहुत ज़्यादा विद नो हैवी मैस, ठीक है। यानी कि जिसका बहुत ज़्यादा वज़न ना हो, बहुत ही ज़्यादा टू मच लाइट जो स्नो जो है वो गिरती है उसे हम जो है वो फ्लेक बोलते हैं, स्नो फ्लेक्स बोलते हैं। और बहुत नरम और जो सॉफ्ट होंगे और जिनका मैस जो है वो जिनका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं होगा उनको हम जो है वो डाउनी फ्लेक बोलेंगे। फ्लेक के लिए वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी स्मॉल लूज मैस ऑफ स्नो, ठीक हो गया। ये वर्ड्स हैं, इनके सामने दिए गए सिनोनिम्स हैं जिनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना। इसी तरह से इसी पेज पे पेज नंबर 83 पे आपको एक्टिविटी नज़र आ रही है ए, इसको आप टिक कर लें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर्स हमने अभी करने हैं यूनिट नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर्स। जैसे कि आपको पता है कि आपके एनुअल पेपर में जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसका पहला सेक्शन सेक्शन नंबर 1 जो है वो क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड होता है। आपके एनुअल पेपर में 10 मार्क्स का 10 नंबर का ये क्वेश्चन आता है जिनमें 8 सवाल आपको दिए जाते हैं 8, ठीक है, और उसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। 5 out of 8 आपने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं जिनमें से हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं, 2 मार्क्स होते हैं। बार बार आपको जब भी क्वेश्चन आंसर मैं करवाती हूँ तो ये बात इसलिए याद करवाती हूँ ताकि आप जो है वो
क्वेश्चन आंसर जब तैयार करें तो अपने जहन में ये रख के करें कि ये आप 10 नंबर का एक क्वेश्चन जो है वो पेपर के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन आंसर जैसे कि आपको पता है आपने अपनी नोटबुक में लिखने होते हैं, जो कि आपकी समर वेकेशन होमवर्क की नोटबुक है, उसमें नीटली आपने काम करना है, पेज रेडी करना है, प्रॉपर मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, डेट मेंशन करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने हेडिंग देनी है प्रॉपर ब्लू मार्कर के साथ, लेसन यूनिट नंबर 8, ठीक है, और नाम लिख के उर्दू में भी चाहे उसका नाम लिख दें। फिर आपने क्वेश्चन आंसर वाली एक्टिविटी जो है वो, जो पेज नंबर जो है वो अभी हमने ग्लॉसरी वाले पेज पे देखी थी, वहाँ पे आपने स्टेटमेंट लिखने के बाद क्वेश्चन आंसर शुरू कर देने। ये सारा काम जब आप एक प्रॉपर फॉर्म में करते हैं तो आपको हैबिट हो जाती है आपकी डेवलप कि आपने नीट एंड क्लीन और सारा काम जो है वो अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज में जो कि अच्छा लगे करना है। क्योंकि आपको पता है कि आपके पेपर में आपकी मटेरियल से ज़्यादा आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो मैटर करती है। यानी अगर आपने अच्छा लिखा हुआ है तो जो चेकर है उसका खुद ब खुद दिल करता है पेपर चेक करने को, और बहुत कम मटेरियल लिखा हुआ भी जब आपने अच्छे अंदाज में हो तो भी वो देखने में अच्छा लगता है, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम। अगर आप किसी और हेल्पिंग बुक से याद कर रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप याद कर सकते हैं। लेकिन एक बुक जो है वो 9th के कुछ स्टूडेंट्स, अगर उनके बहन भाई कोई पढ़ते हुए तो यकीनन उन्होंने भी देखी होगी, बॉयज़ का मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, गर्ल्स में तो खैर मैंने मना कर दिया था। निज़ामी एक बुक है, कुछ बच्चों ने वहाँ से क्वेश्चन आंसर वगैरह या और चीज़ें तैयार की हैं, वो अच्छी बुक है नो डाउट, लेकिन वो अप टू द मार्क नहीं है, ठीक है। आपने स्टैंडर्ड बुक से काम करना होता है, आपने कोशिश किया करें कि जो नोट्स आपको मैं करवा रही हूँ वही अपनी नोटबुक पे लिखें, क्योंकि जब आपको स्कूल वापस आने के बाद इंशाल्लाह नोट्स मिलेंगे, ठीक है, जब आप स्कूल वापस आ जाएंगे तो वो नोट्स जो हैं वो यही वाले आपके नोट्स होंगे। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि आप लोग अगर नोटबुक पे ही इसको सारा काम को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको नोट्स परचेज करने की ज़रूरत ना पड़े, और ना ही कोई और हेल्पिंग बुक मैं रिकमेंड करती हूँ स्टूडेंट्स को कि वो लें, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं होती, हम अपना काम जो है वो प्रॉपर तरीके से अच्छा कर रहे होते हैं ऑलरेडी। जी तो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे हम, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कुछ बुक्स पे डिफरेंट है, जिसमें लिखा हुआ है कि स्पीकर जो है वो पोएट है, ठीक है, आपने इस तरह से नहीं लिखना, क्योंकि प्रॉपरली आपके जो है वो पोएम में ये मेंशन नहीं किया गया कि क्या जो ट्रैवलर है या जो पोएट है वो ही इसका स्पीकर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे कि अ पर्सन ट्रैवलिंग थ्रू सम स्नोई वुड्स ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर इज़ अ स्पीकर, कि वो शख्स जो कि साल की इस तारीख शाम में जो है वो घने जंगलों में से, बर्फबारी वाले जंगलों में से सफ़र कर रहा है, वो क्या है, स्पीकर है। द पोइम डज नॉट सजेस्ट दैट स्पीकर इज़ ही और शी, इसमें पोइम हमें ये बात क्लियरली नहीं बताती कि क्या जो स्पीकर है वो मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है, उसने बिल्कुल एक अननोन पर्सन के तौर पे स्पीकर को शो किया है पोइट ने। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, होम डज द स्पीकर रेफर टू इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम। नज्म के पहले जो शेर है उसमें स्पीकर जो है वो किस बात की तरफ इशारा करता है। इन द फर्स्ट स्टैंजा द स्पीकर रेफर टू द ओनर ऑफ द फॉरेस्ट हु रिजाइड्स इन द नियर बाई विलेज। पहले स्टैंजा में स्पीकर रेफर टू द ओनर ऑफ द फॉरेस्ट, जो स्पीकर है बात करने वाला है वो जंगल के मालिक की तरफ इशारा करता है, हु रिसाइड्स इन द नियर बाई विलेज, जो कि करीबी गाँव में रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वाई डज द स्पीकर स्टॉप ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। इस नज़्म में जो है वो डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर यानी साल की जो तारीख शाम है उसमें शायर जो है वो क्यों, जो स्पीकर है वो क्यों रुक जाता है। द स्पीकर स्टॉप्स हिज हॉर्स इन द जंगल टू इंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर एंड फॉलिंग स्नो। यानी कि दिखाया गया है कि चाहे इतना ज़्यादा अंधेरा भी है, डार्केस्ट इवनिंग है, ठीक है, स्नो है हर तरफ, फिर भी वो क्यों रुका है स्पीकर। तो स्पीकर जो है वो अपने घोड़े को रोक लेता है जंगल में, किस लिए, सिर्फ नेचर की जो खूबसूरती है, ब्यूटी है, उसको इंजॉय करने के लिए, उससे लुत्फ़ानंदोज़ होने के लिए, इसके साथ साथ जो बर्फ़ गिर रही है उससे लुत्फ़ानंदोज़ होने के लिए। यानी कि सिंबॉलिकली तो शायर जो है वो यही बात कहता है कि जो ज़िंदगी में बहुत सी हर्डल्स, मसाइल, प्रॉब्लम्स होती हैं,
उसके साथ साथ इंसान को जो कुछ देर के लिए जो है वो रेस्ट करना चाहिए, कुछ देर के लिए जो है वो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए जो कि उसके लिए उसको रिलैक्स करें, उसके लिए जो है वो सुकून का बाइस बने। और वो जो रिलैक्स होना है या जो सुकून का बाइस जो चीज़ें जो एक्टिविटीज़ बनती हैं उनको जो है वो शायर ने इस पोएम में जो है वो क्या कहा है, नेचर जो ब्यूटी है और फॉलिंग स्नो जो है ये दोनों चीज़ें जो है वो अट्रैक्ट कर रही हैं उसे जंगल में कि वो थोड़ी देर के लिए रुक के अपनी जिम्मेदारियों से नज़र चुरा के जो है वो यहाँ पे रुके। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, वाई डज द हॉर्स इम्पेशेंटली अवेट द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज मास्टर। जो घोड़ा है वो अपने मालिक की अगली हरकत के लिए जो है वो इतनी बेचैनी से क्यों मुंतजिर होता है। द लिटल हॉर्स प्रोबेबली थिंक्स इट ऑड टू स्टॉप इन अ रिमोट एरिया वेयर देर इज़ नो फार्म हाउस एंड द वेदर हैज़ बिन कोल्ड इनफ टू फ्रीज अ लेक। जो छोटा घोड़ा है प्रोबेबली थिंक्स उसको लगता है शायद कि ये बहुत ज़्यादा एक अजीब बात है रुक जाना किसी भी रिमोट एरिया में जहाँ पे ना तो कोई फॉर्म हाउस है और ना ही जो है वो मौसम को इतना अच्छा है, यानी मौसम जो है वो इस कदर सर्द है कि जो झील है वो भी फ्रीज हो चुकी है। दस ये वेट्स इम्पेशेंटली द नेक्स्ट मूव, इस वजह से वो अपने जो मालिक है उसकी अगली हरकत के बारे में बेचैनी से इंतज़ार कर रहा होता है। ठीक है, तो इसमें जैसा कि हमने पोएम में भी देखा था कि जो कोई भी खाने पीने का सामान है या कोई भी स्टे वाली जगह है, ये दो चीज़ें होती हैं किसी भी ट्रैवलर के लिए अट्रैक्टिव, तो लेकिन वहाँ पे ये दोनों चीज़ें ही मौजूद नहीं हैं, इस वजह से छोटे घोड़े को ये जो अजीब बिल्कुल बात लगती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्पीकर इन द पोएम इज़ कैप्टिवेटेड बाई द ब्यूटी ऑफ नेचर। के जो शायर का इस नज़्म का जो शायर है या स्पीकर जो है बात करने वाला वो नेचर की ब्यूटी से किस कदर मसहूर हो जाता है, किस तरह से वो उसके सहर में आ जाता है। ठीक है, वाई डज नॉट ही स्टॉप फॉर लॉन्ग टू इंजॉय, वो ज़्यादा अरसे के लिए वहाँ पे क्यों नहीं रुकता। तो जो थीम है इस पोएम का वो हम इस आंसर में डिस्कस करेंगे कि ही डज नॉट स्टॉप फॉर लॉन्ग टू इंजॉय नेचर्स ब्यूटी, के जो कुदरत की खूबसूरती है उससे लुत्फ़ानंदोज होने के लिए वो ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता। क्यों? क्योंकि ही हैज़ सम ड्यूटीज़ इन हिज़ लाइफ टू परफॉर्म, क्योंकि उसे जो है वो पोएम में हमने देखा था, कहा गया था कि ही हैज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, उसके जो है वो उसका जो सफ़र है, उसने जो रास्ता तय करना है वो भी बहुत लंबा है सोने से पहले। तो सिंबॉलिकली ये बात कही गई थी, एक्चुअली जो बात है वो ये शायर कहना चाह रहा है कि मरने से पहले यानी स्लीप से पहले जो अबदी नींद है उससे पहले इंसान बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे फ़राइज़ ड्यूटीज़ हैं जो कि उसे सर अंजाम देना पड़ती हैं, तो उससे पहले पहले जो है वो अपने इंजॉयमेंट के लिए सिर्फ या नेचर्स ब्यूटी को सिर्फ देखने के लिए वो वहाँ पे ज़्यादा अरसे तक नहीं रुक सकता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं आपके 5 क्वेश्चंस आपके पास, आपने अपनी नोटबुक में इनको लिख लेना है जैसे मैंने आपको गाइड किया प्रॉपर वैसे ही। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ख़ास तौर पे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप अपने अगर फैसलाबाद बोर्ड के प्रीवियस पेपर उठा के देखें तो आपको उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा दफ़ा ये वाला जो क्वेश्चन है वो रिपीट होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो आपने जो है वो करने तो सारे ही क्वेश्चंस याद हैं, लेकिन वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है ताकि अगर पेपर में आए तो कोई भी किसी किस्म की गलती की गुंजाइश ना हो। इसके साथ साथ हमने जो है वो ग्रामर एंड कंपोजिशन से कंप्रिहेंशन पैसेजेस को शुरू किया है। ठीक है, वो हम रिवाइज कर रहे थे सॉल्वड एक्सरसाइजेस जो आपकी मौजूद हैं ग्रामर एंड कंपोजिशन पे। आज आपकी डायरी में कंप्रिहेंशन पैसेज नंबर 8 है सॉल्वड, जो आपने कंप्लीट करना है। कंप्रिहेंशन पैसेजेस मैंने आपको रिवाइज करने का तरीका बताया था। कंप्रिहेंशन पैसेज में आपने पैराग्राफ को अच्छी तरह से पहले रीड आउट करना है, फिर उसके बाद आपने क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद उसको अंडरस्टैंड करना है कि पूछा क्या गया है आपसे क्वेश्चन में, और फिर आपने जो है वो आंसर्स को फाइंड आउट करना है कंप्रिहेंशन पैसेज में से। अगर आपको कंप्रिहेंशन पैसेज रिवाइज करते हुए कोई बात समझ में ना आए या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ डिटेल में ये जो कंप्रिहेंशन पैसेजेस के लेक्चर हैं आपको पता है आपके यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। ठीक है, आपको जो है वो डिटेल में कंप्रिहेंशन पैसेज मैंने समझाया हुआ है, पैराग्राफ में से इसको ढूंढना है या जो आंसर्स आपको प्रोवाइड किए थे उनको लिखना है, आप जो है वो अपने लेक्चर्स में इसको देख सकते हैं।
अच्छी तरह से आपने पैसेज रिवाइज करना है, उसके आंसर्स लिख के देखने हैं अपने पास, डायरी आपने अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेनी है। टेक्स्ट बुक से आज हमने जो काम किया है वो क्वेश्चन आंसर्स थे यूनिट नंबर 8 के, जिनको आपने अपनी नोटबुक में भी अच्छी तरह लिखना है। लर्न एंड राइट यूनिट नंबर 8 क्वेश्चन आंसर, और ग्लॉसरी जो हमने की थी उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ जो MCQs हमने कल किए थे रिव्यू एक्सरसाइज से, उनमें आपने देखना है कि कोई MCQs आपके ऐसे हैं जो कि रिलेटेड टू यूनिट नंबर 8 हैं, उनको आपने तैयार कर लेना है। जो ग्लॉसरी मैंने आपको करवाई है उसके जो जितने भी वर्ड्स थे उनको MCQs के तौर पर आपने तैयार करना है। मैंने आपको गाइड किया था कि स्पेलिंग और सिनोनिम्स दोनों तरीक़ों से, और जो हमने कल एक्टिविटीज़ दो की हैं उनको भी आपने MCQs के हवाले से तैयार करना है। इसके साथ साथ हमने ग्रामर बुक से जो काम किया है कम्प्रीहेंशन पैसेज का, ठीक है, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। कोई बात ऐसी जो आपकी समझ में ना आए आपने मुझसे पूछ लेनी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे।